आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनकी बेटी रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को एयरपोर्ट से रिसीव किया। लालू यादव व्हीलचेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही बेटी रोहिणी आचार्य इंतजार कर रही थी। व्हीलचेयर पर बैठकर लालू प्रसाद यादव के बाहर निकलते ही रोहिणी आचार्य ने झुककर लालू के पैर छुए। लालू ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। ये तस्वीरें रोहिणी ने अपने ट्विटर अकाउंट से साझा भी की है। आप भी देखिए वो वीडियो। आरजेडी मुखिया लालू यादव सिंगापुर अपने किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए गए हुए हैं, जहां उनकी कई बीमारियों का इलाज भी होगा। लालू यादव ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित खुले अधिवेशन के दौरान ही कहा था कि वो मंगलवार को सिंगापुर जाएंगे। आपको बता दें कि सिंगापुर में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य रहती हैं। लालू यादव रोहिणी के पास ही रहकर अपना इलाज करवाएंगे। मंगलवार की शाम वो दिल्ली से परिजनों के साथ साथ पार्टी नेताओं और सेवकों की टीम के साथ सिंगापुर रवाना हुए थे। लालू के परिवार के लोगों का कहना है कि इलाज को लेकर उन्हें लंबे समय तक सिंगापुर में रहना पड़ सकता है, लिहाजा सारी तैयारी के साथ वो सिंगापुर गए हुए हैं। लालू परिवार के करीबियों के मुताबिक इलाज कराने जा रहे लालू प्रसाद यादव के साथ 6 लोग सिंगापुर गए हुए हैं। उनके परिवार से राबड़ी देवी के साथ साथ बड़ी बेटी मीसा भारती सिंगापुर भी गई हैं। ये पहली बार नहीं है जब लालू यादव को इलाज के लिए जाना पड़ा है, लेकिन अब उनका इलाज सिंगापुर में ही चलेगा। मिली जानकारी के मुताबिक जिस डॉक्टर से उन्हें इलाज करवाना है उनसे लालू को नंबर मिल गया है और वो भी अब कंफर्म हो चुका है। दरअसल लालू 16 बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनके शरीर में कई अंग डैमेज हो चुके हैं। पिछले कई दिनों तक लालू दिल्ली एम्स में भर्ती थे। फिलहाल वो राजनीति में थोड़े एक्टिव भी दिख रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर लालू यादव बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने 25 सितंबर की तारीख को सिंगापुर में डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक की थी, मगर IRCTC घोटाले में अनुमति नहीं मिलने के चलते वो सितंबर में सिंगापुर नहीं जा सके। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है। उन्होंने कोर्ट से 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। हाल ही में रांची की CBI स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव का पासपोर्ट भी रिलीज कर दिया था। लालू यादव ने सिंगापुर जाने के लिए कोर्ट में पासपोर्ट जारी करने की अर्जी भी लगाई थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने के लिए 2 महीने के लिए पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया और कहा कि वो लौट कर फिर से कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।